ओके सो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपको ये वेरीफाई करना होता है कि सप्लायर सच में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, जिससे भी आप बात कर रहे हो, जो भी सप्लायर हो गए। तो एक छोटी सी पॉइंट्स बता देता हूँ, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सप्लायर एग्जिस्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सप्लायर का, कंपनी का जो भी आपका, उसका नेम, फोन नंबर, फैक्स नंबर या तो ईमेल का ऑफिशियल ईमेल, एड्रेस तक वेरीफाई होता है। देयर आर सो मेनी एजेंसीज, आप सर्च करना गूगल पे, जो आपको वेरीफाई करके देता है। तो आपको ये चीज देखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक का अकाउंट का डिटेल्स, जो भी इनवॉइस प्रोवाइड करता है कंपनी के नाम से ही अगर बैंक का डिटेल है तो इस चीज के ऊपर फोकस करना। द थर्ड इज आपका प्लेटफॉर्म देखना। जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में हो आप, तब क्या वेबसाइट हो, पर मैक्सिमम टाइम सप्लायर के टाइम इट मैटर्स, राइट? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखना कहाँ कहाँ पे एग्जिट करता है। ये तो फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि सच में आपके सप्लायर के पास उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि नहीं। तो आप ये पहले ये देखो कि उसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर कौन सा है, फर्स्ट एस्टेब्लिश ईयर कौन सा है, सेकंड उसका टर्नओवर कितना है, टर्नओवर के बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। बिकॉज कि जब आप छोटे ऑर्डर देते हो ना, तो आपको उतना पता चल जाता है कि डू ही रियली हैव दैट मच कैपेसिटी कि वो सैंपल निकल के आपको दे दे। तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा।